एसएसपी ने लहरियासराय थाने का किया निरीक्षण, लंबित कांडों का जल्द निष्पादन कर कार्रवाई का दिया निर्देश। वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के द्वारा मंगलवार को लहरियासराय थाना पहुंचकर लिया जायजा, जिसमें कई बिंदुओं पर गहन जांच पड़ताल कर एवं कागजातों को देखा गया, जिसमें वर्ष 2022 से अपने पूर्व के लंबित मामलों की जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि यहां आने का उद्देश्य यहां की स्थिति एवं कायाकल्प लंबित मामलों का निष्पादन जल्द करने के आदेश दिए गए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लंबित मामलों में जल्द गिरफ्तारी करें और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए हर संभव कार्य किए जाए, जिसके दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें लूट, हत्या एवं मारपीट के मामले शामिल है, जिस पर गंभीरता से कार्य करने और जल्द निष्पादन कर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। शेड्यूल हमारा इंस्पेक्शन का था, उसी के हिसाब से आज यहाँ पे इंस्पेक्शन किया जा रहा है। और प्राथमिकता है कि यहाँ थाना का भवन है, परिसर है, उसमें क्या हम लोग और सुधार कर सकते हैं ताकि अफसर्स को, हमारे सिपाहियों को रहने में सहूलियत हो, और जो लोग हैं उनकी सहूलियत के लिए हम लोग यहाँ पर क्या व्यवस्थाएँ कर सकते हैं, उन सबको देखा गया है। प्लस केस डिस्पोजल, पुराने केसेस जो लंबित हैं, सबसे पुराने केसेस, उन सब की समीक्षा की जाएगी। जो हमारे मुख्य हेड्स हैं मर्डर के, लूट के, गृहभेदन के, चोरी और वाहन चोरी, जो लहरियासराय में पिछले वर्ष में काफ़ी ज़्यादा प्रतिवेदित हुए हैं वाहन चोरी के कारण, उन सबको कंट्रोल करने पर विचार किया जाएगा। और अरेस्टिंग जो हमारी नॉर्मल पुलिसिंग है, और जनता की शिकायतों का निपटारा कितनी त्वरित गति से किया जाए, उन सब को लेकर आज सभी बिंदुओं पर समीक्षा की जाए। और किन किन थानों का आज? बस लहरियासराय का है और महिला थाना का। एसएसपी ने लहरियासराय थाने का किया निरीक्षण, लंबित कांडों का जल्द निष्पादन कर कार्रवाई का दिया निर्देश। वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के द्वारा मंगलवार को लहरियासराय थाना पहुंचकर लिया जायजा, जिसमें कई बिंदुओं पर गहन जांच पड़ताल कर एवं कागजातों को देखा गया, जिसमें वर्ष 2022 से अपने पूर्व के लंबित मामलों की जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि यहां आने का उद्देश्य यहां की स्थिति एवं कायाकल्प लंबित मामलों का निष्पादन जल्द करने के आदेश दिए गए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लंबित मामलों में जल्द गिरफ्तारी करें और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए हर संभव कार्य किए जाए, जिसके दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें लूट, हत्या एवं मारपीट के मामले शामिल है, जिस पर गंभीरता से कार्य करने और जल्द निष्पादन कर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। शेड्यूल हमारा इंस्पेक्शन का था, उसी के हिसाब से आज यहाँ पे इंस्पेक्शन किया जा रहा है। और प्राथमिकता है कि यहाँ थाना का भवन है, परिसर है, उसमें क्या हम लोग और सुधार कर सकते हैं ताकि अफसर्स को, हमारे सिपाहियों को रहने में सहूलियत हो, और जो लोग हैं उनकी सहूलियत के लिए हम लोग यहाँ पर क्या व्यवस्थाएँ कर सकते हैं, उन सबको देखा गया है। प्लस केस डिस्पोजल, पुराने केसेस जो लंबित हैं, सबसे पुराने केसेस, उन सब की समीक्षा की जाएगी। जो हमारे मुख्य हेड्स हैं मर्डर के, लूट के, गृहभेदन के, चोरी और वाहन चोरी, जो लहरियासराय में पिछले वर्ष में काफ़ी ज़्यादा प्रतिवेदित हुए हैं वाहन चोरी के कारण, उन सबको कंट्रोल करने पर विचार किया जाएगा। और अरेस्टिंग जो हमारी नॉर्मल पुलिसिंग है, और जनता की शिकायतों का निपटारा कितनी त्वरित गति से किया जाए, उन सबको लेकर आज सभी बिंदुओं पर समीक्षा